गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं मेरे गांव में, क्योंकि हम आंडावन से आ चुके हैं 4-5 दिन पहले। अपने वीडियो देखे होंगे, आज थोड़ा सा एक मंदिर में आए थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि मंदिर के बारे में आप लोगों को भी थोड़ा सा शेयर करूँ, इस वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो बना रखा है। ये जो पहाड़ी सामने दिख रहा है, वो पहाड़ी के पीछे है वो मंदिर जहाँ पे हम जा रहे हैं। बाकी हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है पहाड़ के साइड से होते हुए पीछे जा रहा है, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मंदिर में जाएंगे। फाइनली हम मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं। ये मंदिर से 2-4 किलोमीटर दूर का ये गेट है, और यहाँ से एक सीधा रास्ता जा रहा है मंदिर के पास। हम उधर जाएंगे बाइक में, फिर उसके बाद थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके बाद फिर मंदिर में पहुँच जाएंगे। सामने दिख रहा है वहाँ पे है मंदिर, वो सामने का पहाड़ जो दिख रहा है, हम एक बार घूम के आ गए हैं दूर दूर से, ये है उसका पहाड़ के उस सीधे आगे सामने दिखाई दे रहा है। ये है मंदिर का अंदर का व्यू, लेकिन यहाँ पे जो शिवलिंग है वहाँ पे फोटो या वीडियो बनाना मना है, इसमें से हम दिखा नहीं पा रहे। हम बाहर से मंदिर पूरा दिखाएंगे, आप एंजॉय करिए वीडियो, सब कैसा लगा। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है। इसके बारे में भी मेरे को ज़्यादा कुछ तो नॉलेज है नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कुछ भी मांगो मन्नत पूरी होती है। ये जो है एक पहाड़ी के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे पीछे कितना जंगल है। आज थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, इसीलिए मेरे को कहीं दूसरी जगह जाना था, इसलिए ऊपर एक और एक मंदिर है, माता का मंदिर है। ये आपको सीढ़ी दिख रहा है बगल में, ये सीढ़ी में से जाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पे हाइट पे। तो फिलहाल आज तो इसी मंदिर का वीडियो बनाएंगे, फिर बाकी दूसरी कभी हम पक्के जाएंगे उस पर वहाँ पर, और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। झरना दिख रहा होगा ये ऊपर से, कि पहाड़ी से कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, और इसको पाइप वगैरह लगा करके यहाँ पर नीचे तक लाया गया है। ये अंदर देख पा रहे होंगे थोड़ा फिसलन भरा है, झरना आता है, लेकिन वहाँ पे आगे आने वक्त यहाँ का जो मंदिर ट्रस्टी है वहाँ पे वो पाइप के सहायता से यहाँ तक लेके आते हैं।
दूसरा है वहाँ पर राधा कृष्ण जी का स्थापना किया गया है, वो आगे वाले सामने वाले मंदिर पे। और ये जो बड़ा सा मंदिर दिख रहा है ये शिव जी का है। चलो हम दोनों आए हैं घूमने के लिए। ये है मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे से बड़े हैं। आप देख पा रहे हैं आगे जंगल कितना घना दिख रहा है, एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप। बाहर तो उजाला है लेकिन उस साइड में, लेकिन अभी कुछ दिन से बारिश भी चल रहा है इसीलिए हर जगह पे पूरे एकदम फिसलन भरा हो रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ रहा है। बाकी जब ऊपर के लिए जाएंगे ये रास्ता है मैं जो बता रहा था, तो उसमें कभी और कभी जाएंगे। अभी भी वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, बारिश की वजह से गीला हो रखा है। ये है मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा। चंपा अच्छा ना, ये देखिए बंदर। अभी हम वापस जा रहे हैं, बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का। हर जगह पे मिलेंगे।